जब से ये जाति जनगणना का डाटा आया है तब से लोग कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हो रहा है, तो फिर वो गरीब जनता जिसने बिहार सरकार को कुर्सी पर बिठाया उसका क्या? बहुत बड़ा करप्शन है। हाँ। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरी जो आंकड़ा है बिल्कुल। हाँ। इसमें एक तो जाति जनगणना में इतना बड़ा घोटाला, ऊपर से 500 करोड़ का घोटाला। हाँ। कि आपने कौन सा शिक्षा का अगर करने गए हैं जाति जनगणना, तो 500 करोड़ किस चीज में खर्चा हो गया? 23 दिन के अंदर आपने जाति जनगणना भी करवा दिया और 500 करोड़ खर्चे भी हो गए। आंकड़ा आया उसको लेकर क्या बोलेंगे? सही आंकड़ा आया कि सिरे से खारिज कर दी लोक जनशक्ति पार्टी रामलाल। जातिगत की जो प्रथा है शंकर जी, कब बिहार से खत्म होगी? आखिर आरजेडी और जेडीयू मिलके जातिगत को इतना प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? जनगणना कराए, पलायन पे कराए, गरीबी पे कराए, बेरोजगारी पे करवाए, करवाए वहाँ पे कितना लोगों को बिजनेस धंधा दे रहे हैं, इस मुद्दे पे सरकार करवाए। आज बिहार में हत्या, डकैती, बलात्कार, शराब से लोग मौतें हो रही है, कौन जवाब देगा उन बहन बेटियों का? कौन जवाब देगा उन महिलाओं का जिनके सर से सिंदूर पूछ जाता है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है? किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे, हर जगह आपको बिहारी प्रताड़ित करते हुए मिलेंगे, गाली सुनते हैं। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार और इनके सरकार को कि आज इतने पलायन के बाद भी गर्व से सीधे उठा के कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। ये विकास है? बाहर लोग मारे जा रहे हैं। एक लड़के ने आवाज उठाई मनीष कश्यप ने, उसको जेल में ठूस दिया। मनीष कश्यप जैसे सीधे साधे नौजवान के लिए इन्होंने एनएसए लगवा दिया, तो ऑस्ट्रेलियन के बेटे संवैधानिक पद पे बैठे हुए, अगर वो किसी धर्म विशेष के लिए बोले तो उनको ज्यादा सजा होना चाहिए। बिहार में जब से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का डाटा सबके सामने रखा है तब से लग रहा है कि बवाल सा मच गया है। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में एलजेपी का सारा कार्यभार संभालते। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोलेंगे जातिगत जनगणना का जो डाटा आया है बिहार में उसको लेकर क्या बोलेंगे? सिरे से खारिज कर दी हमारी पार्टी ऐसी जनगणना को। 23 दिन के अंदर ऐसा कौन सा जनगणना इन्होंने करवा दिया? 500 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, किस चीज़ में खर्चा हो गया? जब सब सरकारी शिक्षकों ने सारा कुछ किया है तो 500 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए और 23 दिन में जाति जनगणना भी हो गया। अरे जब जाति जनगणना में आप कह रहे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो नित्य 3% 3% वाले कब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे, पूछिए। और बताइए ना, नहीं ये तो उनको बताना चाहिए ना, ये वही बोल रहे हैं, आरजेडी बोल रही है, तो आरजेडी वालों को बताना चाहिए कि उनके 14% तो 20% और 36% वाले को कब कुर्सी दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री का, तेजस्वी जी बता दें, और 2024 में कितनी भागीदारी रही ये भी बता दें। जो आंकड़ा आया उसको लेकर क्या बोलेंगे? सही आंकड़ा आया कि सिरे से खारिज कर दी लोक जनशक्ति पार्टी रामलाल। चूंकि आप ये देखिए कि 6% पासवान जाति का वोटर आज से पहले 6% था, उसमें 3 जातियां और हैं तो ये 9% होता है, उसको भी घटा के 5 पॉइंट कुछ कर दिया है। तो ये एक नियोजित तरीके से इन्होंने करा हुआ, एक वर्ग को दिखाने के लिए, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इन्होंने ये जाति जनगणना का ये घोषणा किया है। तो ये जो आंकड़ा आया हुआ क्या लग रहा है कि इससे किसको फायदा होने वाला है? ये सरकार अपने फायदे के चक्कर में एक जनता कुछ नहीं मायने रखता इस सरकार के लिए, जनता कोई मायने नहीं रखता, किसी भी मुद्दे पे सरकार बात करने को तैयार है। बात करे ना ये, बात करे पलायन पे, बात जनगणना कराए, पलायन पे कराए, गरीबी पे कराए, बेरोजगारी पे करवाए, करवाए वहां पे कितना लोगों को बिजनेस धंधा दे रहे हैं, इस मुद्दे पे सरकार करवाए वहां पे। सरकार तो कहती है कि बिहार का विकास करती गरीबों के लिए, अब जबकि कह रही है कि बिहार का विकास हो रहा है, कहां विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, कितने % लोग बिहार में रह रहे हैं? आज पलायन की स्थिति यह है कि किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे, हर जगह आपको बिहारी प्रताड़ित करते हुए मिलेंगे, गाली सुनते हैं। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार और इनके सरकार को कि आज इतने पलायन के बाद भी गर्व से सीधे उठा के कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। ये विकास है? बाहर लोग मारे जा रहे हैं। एक लड़के ने आवाज उठाई मनीष कश्यप ने, उसको जेल में ठूस दिया, और आज उनके लोग वहां तमिलनाडु में कह रहे हैं कि हिंदू के खिलाफ अन्याय हो रहा है, हिंदू के खिलाफ वहां के ऑस्ट्रेलियन के बेटे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार कहाँ है? कहाँ नीतीश कुमार? मनीष कश्यप जैसे सीधे साधे नौजवान के लिए इन्होंने एनएसए लगवा दिया, तो ऑस्ट्रेलियन के बेटे संवैधानिक पद पे बैठे हुए, अगर वो किसी धर्म विशेष के लिए बोले तो उनको ज्यादा सजा होना चाहिए, मनीष कश्यप जी से ज्यादा सजा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब से ये जाति जनगणना का डाटा आया है तब से लोग कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं सरकार को फायदा हो रहा है, तो फिर वो गरीब जनता जिसने बिहार सरकार को कुर्सी पर बिठाया उसका क्या? ये मेरे पास डाटा है इनके मंत्री का। हाँ। मेरे पास बिहार सरकार के मंत्री का सारा डाटा है, कितने % जिनकी भागीदारी ये कहते हैं। हाँ।
जिनकी सबसे ज्यादा साझेदारी, उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी, इसमें दिखा दीजिए मुझे कितने परसेंट भागीदारी वाले लोग हैं। इसमें 5 दलित हैं, 5 मुसलमान हैं और बाकी सारे इनके लोग हैं। ओबीसी के एक 2%, एक ब्राह्मण है और 1-2 इसमें राजपूत है, बाकी सारे इनके हैं। जातिगत की जो प्रथा है शंकर जी, कब बिहार से खत्म होगी? आखिर आरजेडी और जेडीयू मिलके जातिगत को इतना प्राथमिकता क्यों दे रही, इनकी विकास को क्यों नहीं? बिहार के नीतिक राजनीति किसी से चलती है? नीतीश कुमार की राजनीति ही जाति बांटने में रह गई। 18 साल में इन्होंने जाति को ही बांट के पासवान को दलित समाज को महादलित, पासवान समाज से दलित महादलित करके दिया। दलित की नहीं, सारे वर्गों की बात, सभी वर्गों की मैं कह रहा हूँ। इन्होंने हमेशा जातियों को तोड़ा है, जात पात में ही बिहार को जाके रख दिया है। कुछ नहीं काम करते ये, इनका नीतीश कुमार जी का सोच ही नहीं निकली है, ये विकास नली गली को मानते हैं। आज बिहार में हत्या, डकैती, बलात्कार, शराब से लोग मौतें हो रही हैं। कौन जवाब देगा उन बहन बेटियों का? कौन जवाब देगा उन महिलाओं का जिनके सर से सिंदूर पूछ जाता है, जिनके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है? कौन जवाब देगा इसका? सरकार तो जाति जनगणना में उलझी हुई है ना शंकर जी। ये 23 दिन में जो बहुत बड़ा करप्शन है, इसकी CBI जांच होना चाहिए। मेरी जो आंकड़ा है, बिल्कुल इसमें एक तो जाति जनगणना में इतना बड़ा घोटाला, ऊपर से 500 करोड़ का घोटाला कि आपने कौन सा शिक्षा का अगर करने गए हैं जाति जनगणना, तो 500 करोड़ किस चीज में खर्चा हो गया? 23 दिन के अंदर आपने जाति जनगणना भी करवा दिया और 500 करोड़ खर्चे भी हो गए, कोर्ट तक में चला गया, माननीय कोर्ट भी इसमें संज्ञान लेंगे। अभी कोर्ट में भी लोग जा चुके हैं इसमें। तो कितने साल से जो सत्ता पे राज कर रहे हैं उन्हीं के राज्य के लोग हर साल पलायन करने को मजबूर क्यों हो जाते हैं? तो ये नीतीश कुमार जी की नीति है। ये नीतीश कुमार जी चाहते नहीं कि बिहार के लोग यहाँ रहे। अगर लोग वहां रहेंगे तो सवाल करेंगे, उनमें से कोई ना कोई सवाल करेगा और इनको सवाल पसंद नहीं है। एक लड़के ने सवाल किया, देख लीजिए मनीष कश्यप का इन्होंने क्या हल किया है। अब कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको बिहार में, नहीं तो उनको कितना प्रताड़ित किया उन्होंने तमिलनाडु जेल में भिजवा के। ये वो उस लड़के का दिल जानता होगा या उनको जो जानने वाले वही लोग जानते हैं। तो ये है नीतीश कुमार की नीति। बिहार इतना पीछे क्यों रह जाएगा? बात की जाए अगर बिहार की, तो कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि बिहार के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं, फिर बिहार में क्यों इतनी बेरोजगारी है, क्यों बिहार के ही लोग गरीब हैं, सड़कों पे बैठे रहते हैं सर, रात को 2-2 बजे वो खाना खाते हैं। सरकार की मानसिकता गिर जाती है ना, वो नीतीश कुमार की मानसिकता गिर गई है, वो हिल चुके हैं। आप ये देखिए कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए, इतना टैलेंटेड बच्चे हमारे IAS IPS डॉक्टर टॉप लेवल पे जितने आते हैं वो बिहार के आते हैं, फिर भी उनको बिहार में पढ़ने के लिए कोई ऐसा संस्थान कोचिंग बता दिया जिन्होंने ना इन्होंने किसी हब बनाया हो यहाँ के शिक्षा का। हमारे बच्चे कोटा, बेंगलोर, पुणे पढ़ने जाते हैं। कोटा चलिए आप, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, कॉलेज बिहारी का, टैक्स किसको जा रहा है? राजस्थान सरकार को। वो पटना में क्यों नहीं लग सकता? अब वो दरभंगा में, भागलपुर, पूर्णिया क्यों नहीं लग सकता शिक्षा का? भागलपुर की बात छोड़िए, नालंदा विश्वविद्यालय जो इतना ऐतिहासिक रहा है, अब वहां पे बोर्ड लग गया है कि नालंदा खंडहर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। जब से वो आए हैं, जब से शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी रोजगार, पलायन, सब उनके ही राज्य सरकार में हुआ है। और अभी अपमानित जितना ज्यादा बिहारी हर राज्य में हो रहा है, वो भी सिर्फ उसका देन नीतीश कुमार जी का है। बदलाव क्यों नहीं हो जाता? होगा बदलाव। चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बना लूंगा, मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। हम लोग दिल्ली में बैठ के लड़ रहे हैं और हमारे मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार की गली गली में लड़ रहे हैं। और अगर कोई वहां सही में विपक्ष का भूमिका नहीं निभा रहा है, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और मेरे पार्टी के अध्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, जमीन में जाके देखिए, पूछिए, हम अध्यक्ष इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जनता क्या बोलती है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आज युवा इतने बड़े तौर पे जुड़ रहे हैं, लोग इतने तौर पे उससे जुड़ रहे हैं। अगर झूठ बोलना तो मुझे अपने नेता के लिए झूठ बोलना होता, मेरे नेता के लिए रेड कॉर्पोरेट बिछी हुई थी। अगर 2020 में मेरे नेता ने नीतीश कुमार की आहोभगत स्वीकार कर लिया होता, तो 25 सीट मिल रही थी, 20 विधायक होते, 4 मंत्री होते, खुद मेरे नेता केंद्रीय मिनिस्टर होते। लेकिन मेरे नेता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को शामिल करने के लिए बोला। जो हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को शामिल करेगा और बिहार के विकास की बात करेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, उसी गठबंधन में जाऊंगा। तो देखिए, जाति जनगणना का जो डाटा है उस पर आप देख सकते हैं कि शंकर जी का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।